शेयर बाजार में आपका स्वागत है। और कहा जाता है कि बाजार जब टूटता है, बिखरता है, तो अपने साथ हजारों दिल, लाखों दिल उन्हें भी तोड़ता है, वो भी टूटते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो असली खेल होता है वो लाखों करोड़ रुपए का होता है, और किसी के रुपए बनते हैं लाखों और किसी के करोड़ों जाते हैं। तो दिल टूटने का खेल है, लेकिन मायूसी बहुत देर तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आजकल नहीं ठहरती। अगले दिन बुल फिर जोश से आता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है, चेहरे पे मुस्कान आती है और जो टूटते हुए दिल हैं उनके हौसले फिर एक बार संभलते हैं। तो आज जो एक अच्छी खबर बुरे वक्त में भी कि मार्केट आगे बढ़ा है, 749 अंक आगे बढ़ा है, 749। ये मामूली बात नहीं है, मतलब ये जो रिकवरी है फ्राइडे के बाद, जो ब्लड बाथ हुआ था उसके बाद मार्केट तेज़ी से आगे गया है। और पंडित जी की एक टिप्पणी हो जाए कि दिल टूटा लेकिन 48 घंटे में संभल भी गया। जी बिल्कुल, देखिए उस दिन लगभग 2000 पॉइंट्स का डिप आया था मार्केट में पिछले हफ्ते, लेकिन आज फिर 700-800 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है। तो मतलब मार्केट की तेज़ी जो है जी वो अभी मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, उसमें मतलब एक क्लियर ट्रेंड हम नहीं बोल सकते, टॉपसी टर्वी राइड। जी बिल्कुल, टॉपसी टर्वी, उठा पटक जारी, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, जैसे समंदर की लहर है उतार चढ़ाव के बीच में, तो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। और राकेश झुनझुनवाला कह रहे थे दो दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में, राकेश झुनझुनवाला हिंदुस्तान के वॉरेन बफेट, वो कह रहे थे कि उन्हें भरोसा है कि आने वाले दशकों में भी ये जो बुल है ना उसकी गति बनी रहेगी, मार्केट चढ़ेगा, ऊपर जाएगा। और उन्हें तो यहाँ तक उम्मीद है कि 10 सालों में हिंदुस्तान का बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बनेगा स्टॉक मार्केट। शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी, लार्सन एंड टोब्रो, परिचय की मोहताज नहीं है कंपनी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर, मारूफ और शेयर मार्केट में दांव खेलने वालों की सबसे महबूब कंपनी लार्सन एंड टोब्रो। 21 दिसंबर को जिसका शेयर 1100 रुपए पे था और उस ब्रेक पॉइंट से ये आज पहुंच गया 1 मार्च को 1472 रुपए। मैं इसके नेट प्रॉफिट रेवेन्यूज पे बाद में करूंगा। एक टिप्पणी संजीव भाई की हम ज़रूर लेंगे कि आखिर लार्सन एंड टोब्रो को आज अब क्या टारगेट दे रहे हैं। जी देखिए, जो एक बहुत बड़े अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज हाउस हैं बर्नस्टाइन, वो इसको टारगेट दे रहे हैं 1716 रुपए का, 1716। और उसका मेन कारण ये है कि जो रिकवरी है कंपनी के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है, इनका कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और ये बहुत ही एक प्रॉमिसिंग स्टॉक की तरह बर्नस्टाइन लार्सन एंड टोब्रो को देख रहे हैं। जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ रही है वैसे वैसे लार्सन एंड टोब्रो के भी प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। जी, देश का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो लार्सन एंड टोब्रो ने जहाँ पर उस पर ईंट ना रखी हो, जहाँ सीमेंट ना लगाया हो। और इसीलिए इसका जो रेवेन्यू है, चौंकिएगा नहीं, सितंबर 2020 यानी जो सितंबर की तिमाही थी उसके जब बही खाते सामने रखे गए जनता के, निवेशकों के, तो 31,034 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू था। और दिसंबर में ये 3 महीने बाद जब तिमाही की फिर से बही खाते सामने रखे गए, क्वार्टरली रिपोर्ट आई, तो 31 से बढ़कर 35,000 करोड़ हो गए रेवेन्यू में। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट ऐसा है कि गश आ जाता है जब हम सुनते हैं कि अरे 3 महीने में इतना मुनाफा, तो साल भर में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, कंपनी है या खुलजा सिमसिम, 5,876 करोड़, दैट्स द नेट प्रॉफिट ऑफ दिस कंपनी, माइंड इट, 5,876 करोड़ इन 3 मंथ्स। हाउएवर दिस ये जो है थोड़ा नीचे गया है, 2849 रुपए पे आ गया 5,000 से, लेकिन लार्सन एंड टोब्रो के पास की जो ऑर्डर बुक्स हैं, उनके पास जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी कमी नहीं है
और गडकरी साहब ने जो दिल खोल के बाहें फैला के मोदी सरकार में काम लुटाया है, दिया है, उसका एक बड़ा शेयर लार्सन एंड टोब्रो ले जा रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी। जो जो हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है उसको भी बड़े कारोबार मिले हैं, और ये काफ़ी सारे अभी इनको नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसके वजह से इसका टारगेट प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। तो अब 1700 क्रॉस करने की उम्मीद है। जी 1760। जी सुंदर सुंदर तस्वीरें आज दिखा रहे हैं। आज पंडित जी ने कहा कि भाई जश्न मनाइए कि आज बुलिश है आज मार्केट, और इसलिए सुंदर सुंदर खूबसूरत तस्वीरें। टाटा मोटर्स की बात करते हैं, और टाटा मोटर्स अगर हम देखें कि 1 मार्च को यानी जब महीना शुरू हुआ और तो उसका क्या रेट था, और थोड़ी देर बाद जब बाज़ार शुरू होंगे और आप लोग टर्मिनल पे बैठेंगे तो एक शेयर आज ज़रूर ध्यान में रखिएगा, टाटा मोटर्स। क्योंकि अगेन राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि अगर मैं वो किसी चीज़ से प्रभावित हैं, किसी कंपनी से, किसी ग्रुप से, तो सबसे पहले तो जो नए CEO आए हैं टाटा ग्रुप के, उनसे बहुत प्रभावित हैं, उनकी कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित हैं राकेश झुनझुनवाला, संजीव भाई बताएंगे। टाटा मोटर्स ने भी अपने को रीडिफाइंड किया है, वो इंडिका का दौर और इंडिका जैसी उसी प्लेटफॉर्म पे और कई गाड़ियाँ, उस दौर से हट के लैंड रोवर और जगुआर और उसका जो प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे जो सफारी अभी आई है, उससे पहले टाटा हैरियर आई थी, मतलब एक ऐसी गाड़ी जो शायद अगर किसी और मुल्क में उसी प्लेटफॉर्म पे बनती तो 35-40 लाख की होती, वो गाड़ी टाटा मोटर्स आज आपको 20 लाख से कम रुपए में दे रही है। और जिस तरह का ऑटोमेशन उसमें आया है, जो परफॉर्मेंस है जिसको इम्प्रूव किया गया, तो टाटा मोटर्स ना सिर्फ सफारी के सेगमेंट में, SUV के सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो नेक्सन जो कमाल कर रही है वो भी गजब का है। शेयर का भाव पहले, टाटा मोटर्स का जो बदलता हुआ चेहरा है, उनके जो मालिक मुख्तार कंपनी के बदल रहे हैं, मतलब चेयरमैन, उनके डायरेक्टर, उनके CEO, ये जो फेरबदल हो रहा है एग्जीक्यूटिव लेवल पर टॉप, वो उसके बारे में टिप्पणी चाहूँगा। और टाटा मोटर्स जो नए दौर की गाड़ियाँ ला रही है, जी देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो नए CEO उनके आए हैं, और उसमें ये है कि कुछ दिन पहले, आज हम इसलिए फ्लैग कर रहे हैं टाटा मोटर्स को क्योंकि 1-2 दिन पहले जैगुआर लैंड रोवर ने एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन किया है सारे एनालिस्ट। जी तो उसमें ये बताया जा रहा है कि JLR के जो कैश फ्लोज हैं वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जैगुआर लैंड रोवर आप जानते हैं लग्जरी कार मेकर है पूरी दुनिया भर में, इंडिया में बड़ा ब्रांड है, हाँ बहुत बड़ा ब्रांड है, यूरोप में बहुत बड़ा है, चाइना में बहुत बड़ा है, तो इसको अभी टाटा मोटर्स में इंक्लूड होता है। तो जब हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो इंडियन ऑपरेशन है और बहुत एक बड़ा हिस्सा जैगुआर लैंड रोवर का है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। जी तो इनके कैश फ्लोज इम्प्रूव हो रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि जैगुआर लैंड रोवर फाइनेंशियल ईयर 21 में बड़ा इंपॉर्टेंट साल है इनके लिए कि इनका घाटे खत्म हो जाए, ब्रेक इवन का स्टेज आ रही है। तो इसके वजह से CLSA क्रेडिट लोन, जो कि फ्रांस की बहुत बड़ी ब्रोकरेज है, इनको 425 का टारगेट देगी टाटा मोटर्स को। बहरहाल जो लोग इंट्राडे करते हैं वो भी टाटा मोटर्स पर नज़र रखें, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि टाटा मोटर का जो भाव है 328.30 रुपये है, था मतलब 1 मार्च को, और यहाँ से ये शेयर और कितना आगे जा सकता है, टॉप गियर में गाड़ी है और कितनी स्पीड पकड़ सकती है गाड़ी, ये हमको देखना होगा। और संजीव शर्मा जो कई बड़े फिनेंशियल कंसल्टेंट्स के टच में रहते हैं, वो जब टारगेट लेके आते हैं ना साहब, तो कमाल का टारगेट होता है, बड़ा जेन्यून होता है। और हमें इसीलिए बहुत से फ़ोन आते हैं हमारे व्यूअर्स के कि साहब संजीव शर्मा से एक बार फ़ोन पे बात कराइए, तो खैर वो फ़ोन पे बात नहीं करते, हर वक्त फ़ोन कैरी नहीं करते हैं, पर्सनल एडवाइस नहीं देते हैं। संजीव जो हैं कैमरे के सामने, जी बिल्कुल, संजीव शर्मा सिर्फ स्टूडियो में आके दीपक शर्मा जी के साथ बातचीत करते हैं। साहब मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ संजीव भाई, आपके आगे बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा गलत बात है, और जो हमारी बातचीत है वही देखिए पूरे ऑडियंस के सामने। तो बता दीजिए 328 से कहाँ ले जा रहे हैं ऊपर, 425 का टारगेट टाटा मोटर्स।
और इसमें हम ये भी ऐड कर दें कि आप सब लोग जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ी पोजीशन लगभग 4 करोड़ शेयर की बिल्ड की है, सवारी कर रहे हैं आजकल टाटा मोटर्स, सवारी कर रहे हैं, तो उसके बाद से शेयर में लगातार उछाल है, तो इसको 425 का CL से टारगेट दे रहे हैं। और साहब कमाल है कि मतलब टाटा मोटर्स की हालत लॉकडाउन खुलने के बाद भी बड़ी ख़राब थी और ये शेयर कभी 125, 30, 40, 150 और अचानक जो शेयर 140, 150 और उसकी कई मॉडल्स की जो है बहुत ज़्यादा अच्छी रिव्यूज़ ना आ रहे हों, ऐसे वक्त पर एक ब्रेक थ्रू लेकर आए राकेश झुनझुनवाला और उन्होंने जब ये शेयर पर अपना दांव लगाया और कंपनी ने अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, कुल मिलाकर कंपनी के मैनेजमेंट में चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया एक प्रोफेशनल तरीके से, और उसका आज आप अंजाम देख रहे हैं कि 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये की चीज़ 425 450 की हो रही है, तो एक बहुत अच्छा टारगेट 425 रुपये का। ऐसा मौका, और ख़ासकर जिन लोगों ने ये शेयर दिसंबर में खरीद के होल्ड किया होता उनकी चांदी होने वाली है, मत बेचिए मत बेचिए मत बेचिए, सही कहा आपने, तो बड़ी मतलब ज़ोर से अपनी बात रख दी है, उसके बाद हम और मैं बात यूँ ही नहीं रखता हूँ, मैं हमारे प्रोग्राम में मतलब तौबा कोई बड़ी बात निकल जाए मुँह से, हमारी कोशिश होती कि आपको एकदम एक्यूरेट चीज़ बताएं, कारण लॉजिकल हो, सेंस ऑफ रीजनिंग उसके पीछे हो। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जिस कंपनी का 348 करोड़ का रेवेन्यू था बढ़कर 348 से नेट प्रॉफिट 348 से बढ़कर, आप ग्राफिक्स देखिए 3,222 करोड़, ऐसा लगता है जैसे कोई टाइपिंग एरर हो गया हो, फिर मैंने देखा फिर पढ़ा, लेकिन हाँ साहब कमाल है ये 3,222 करोड़ और रेवेन्यूज भी बहुत बड़े, 53,000 से जंप लेके 75,000 करोड़ के ऊपर निकल जाना साहब जी, बिल्कुल ये सारे लॉकडाउन खुलने का असर है ना, और इसीलिए ये एक रिकवरी का स्टोरी है। टाटा मोटर्स जो है इकोनॉमी के शुरू होने का, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी जी मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव है दोनों का, तो जैसे ही अब वो सब मार्केट्स खुलेंगी, डिमांड बढ़ेगी, तो सीधा उनको आपको यकायक टाइपिंग एरर टाइप का प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। लेकिन ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कमर साहब, ये तस्वीर जो है वो टाटा मोटर्स का प्लांट नहीं है, ये तस्वीर आज हमारे कैमरामैन साहब के आज मूड उनका किया कि कुछ तस्वीरें भी आपको बीच बीच में दिखाई जाएँ, बहुत आंकड़े हो गए, आंकड़े पीछे भी हैं, दाएँ भी बाएँ भी है ना, आज हम कुछ तस्वीरों के साथ आए हैं। बात अब एक ऐसी कंपनी की जिसको मैं हमेशा प्रोग्राम में सैल्यूट करता हूँ, और सैल्यूट इसलिए करता हूँ कि जिस धंधे में कभी स्पेन का, फ्रांस का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ का आधिपत्य होता था, यानी सेरेमिक्स में, और फिर उस मोनोपोली को चाइना ने तोड़ दिया, और चाइना से जब अपने चाइना अपने शबाब पे था, अपने उठान पे था, उस वक्त जब चाइना पेनेट्रेट हिंदुस्तान में कर चुका था, चाहे मोबाइल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, टॉय इंडस्ट्री हो, फैब्रिक हो, कहीं भी स्पोर्ट्स शूज़ हो, यू टेक द नेम एंड द प्रोडक्ट इज मेड इन चाइना इन एनी शोरूम ऑफ इंडिया, ऐसे समय में सेरेमिक्स में चाइना के अभिमान को तोड़ना, ये कजारिया सेरेमिक्स ने किया। और कजारिया सेरेमिक्स ने जो शुरुआत करी उसका मतलब आप देखें कि जितनी और कंपनियां थीं देश की उनको भी मिला, उसकी वजह क्या थी कि चाइना से सस्ती, चाइना से ज़्यादा टिकाऊ और डिज़ाइनिंग के मामले में चाइना से कहीं ज़्यादा बेहतर, ये कजारिया ने किया, चीप एंड बेस्ट जो मंत्र था चीन का वो तोड़ दिया कजारिया सेरेमिक्स ने। इसलिए एक बार फिर से इनको सलूट करते हैं और इसी शेयर की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनी जिसने चाइना के गुरूर को तोड़ा हो और हिंदुस्तान का जो आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का नाना है मेक इन इंडिया वो करके जो कमाल दिखाया, वो कजारिया सेरेमिक्स ने शुरुआत की थी। एक मार्च को इसका शेयर जो था 937 रुपये था, और ज़ाहिर तौर पर आज जब आप टर्मिनल पे बैठेंगे तो कजारिया सेरेमिक्स पे नज़र ज़रूर होगी आपकी कि भैया देख ले, संजीव बाबू ने बताया, पंडित जी ने, कितना सही है, तो देख लीजिएगा खोल कर आप, 937 रुपये, और ये टारगेट बहुत अच्छा मिल रहा है, बढ़ रहा है शेयर जी। बिल्कुल देखिए इसमें एक टारगेट आ रहा है 1,085 रुपये का, क्या बात है, जो अमेरिकन ब्रोकरेज जेफरीज इसको दे रहे हैं,
और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब कजारिया सिर्फ एक टाइल का शेयर नहीं रह गया है, अब इसको देखा जा रहा है एज अ प्ले ऑन द हाउसिंग रिवाइवल, कि अगर आपको बेट करना है कि हिंदुस्तान में हाउसिंग बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, तो आप सीमेंट मत खरीदिए, उसके शेयर मत खरीदिए, स्टील के शेयर मत खरीदिए, आप कजारिया सिरेमिक्स के शेयर खरीद लीजिए, क्योंकि टाइल इनको लगनी है। और बहुत से लोगों को पसंद आ गया तो वो घर की फर्श तुड़वा के दोबारा लगवा देते हैं। जी बिल्कुल हाँ, तो वो ये है कि ये प्ले बन गया है हाउसिंग रिवाइवल पे और इनके डिमांड प्रॉस्पेक्ट्स बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इसको चलते 1085 रुपये का टारगेट। 1085 जी, मैं समझा 50 आपने बोला। नहीं आपने तो साहब 1085 क्या बात है, 1100। अब आप सोचिए कि 650 रुपये की चीज़ दिसंबर में थी, जनवरी बीती नहीं कि शेयर 937 पर गरजने लगा, और अब गरजते गरजते पंडित जी कह रहे हैं कि साहब 1100 का जो है खिड़की दिखा रहे हैं, एक विंडो खोल रहे हैं। तो जिन लोगों ने शेयर खरीद के रखा होगा 500 पे 600 रुपए पे, सोचिए कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या मतलब मुनाफे का पैमाना है। आप पैमाइश देखिए, अंतर देखिए, यूं ही नहीं करोड़पति बन जाते हैं खुद राकेश झुंझुनवाला की तरह, विजय केडिया की तरह, या रामदेव अग्रवाल की तरह। एक लंबी फेरिस ऐसे ही खड़ी हो जाती है, कुछ एतबार होता है कुछ कंपनियों पे, और कुछ हाँ कुछ आंकड़ों का खेल होता है। और आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि सितंबर 2020 को जो तिमाही मतलब 3 महीने पहले रखी गई, इसके बही खाते रखे गए, 89 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़कर 121 करोड़ हो गया, और रेवेन्यू भी कजारिया सिरेमिक्स का बढ़ रहा है। कजारिया सिरेमिक्स के बाद हम करेंगे बात सेल की, बाय हो गया, आप सेल पर भी आ जाइए। और चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और सेल पे बात करते हैं, बढ़िया शेयर होगा, अगर रखा है तो बेच दीजिएगा। एक ब्रेक, और हाँ ब्रेक के बाद आपको हम आईपीओ के बारे में बताएंगे, और मैंने पहले भी कहा, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि आईपीओ इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक बुक प्रॉफिट। आईपीओ में आप पैसा बना सकते हैं, बशर्ते भगवान, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं आईपीओस, अगर आपका आईपीओ में कहीं ना कहीं लॉटरी निकल आती है तो आप समझ लीजिए कि 15 दिन में पैसा 3 गुना हो सकता है। तो उस आईपीओ की भी बात करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को मत छोड़िएगा। यूं गए यूं आए। तो शानदार तस्वीरों के बीच ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगाज़ शुरुआत करते हैं। मैंने कहा था ना कि आपको हम आईपीओ की तरफ लेके ले जाएंगे, एक शानदार आईपीओ आने वाला है, और आईपीओ में जिन लोगों ने पैसा कमाया बनाया वो वाकई सबसे खुशकिस्मत लोग रहे, क्योंकि जैसी लिस्ट होता है 2 घंटे के अंदर पता चला वारे न्यारे हो गए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आईपीओ की उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में किन्हीं कारणवश एंटर नहीं कर पा रहे, चढ़े हुए बाजार में जो इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो बेयरिश हो, नीचे आए, कुछ आंकड़ा ऊंट नीचे आए तो सवारी करें। अब ऐसे में छोटे निवेशक क्या करें, आईपीओ एक अच्छा मौका है। और बहुत से जो स्टूडेंट्स देखता हूँ मैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो आईपीओ आजकल लेने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने मनपसंद कपड़े ले लिए, तो किसी ने लैपटॉप खरीद लिया, और निवेश का बहुत अच्छा मौका है। और जो कंपनी है अपनी स्क्रीन पर देखिए, MTAR टेक्नोलॉजीज, और ये प्रेसिशन इंजीनियरिंग की कंपनी है। प्रेसिशन इंजीनियरिंग बोले तो यानी जो स्पेस में आप JSLV-3 है, अग्नि है, उस तरह के कंपोनेंट्स बनाती है, खासकर मिसाइल में, शटल में। और इसके क्लाइंट्स जो हैं वो इसरो है साहब, इसरो जैसा क्लाइंट, सैटेलाइट बनाते हैं, DRDO जैसा इसका क्लाइंट है साहब, डिफेंस की एजेंसी है, रफेल के कुछ कंपोनेंट्स वो भी इन्होंने बनाए हैं। और इनकी 7 स्टेट ऑफ द आर्ट इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तेलंगाना में, हैदराबाद में। एक बार हम एसेट्स की बात कर लें फिर पंडित जी के पास आएंगे। 3,819 करोड़ की इसकी कुल संपत्ति एसेट्स हैं। 3 मार्च को ये आईपीओ आने वाला है, आप बुक कर सकते हैं, और 5 मार्च को ये इशू बंद हो जाएगा। 3 से 5 मार्च यानी मार्च 3, 4, 5, 3 दिन का मौका आपके पास है।
574-575 के प्राइस बैंड में है और 596 यानी 600 करोड़ का इशू है। तो सब कुछ जानकारियां आपको स्क्रीन पे मिल चुकी हैं। अब क्या करना है, अब पंडित जी के पास चलना है, मुहूर्त निकलवाना है, खरीदें ना खरीदें, सोचें कि भाई आगे बढ़ जाएं, बताइए साहब। जी बिल्कुल, देखिए इसमें जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज का कॉल है सब्सक्राइब करने का इशू को, और इसके कारण दो तीन है कि एक तो जो आपने बताया इसरो DRDO जैसे क्लाइंट्स हैं प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाते हैं, मतलब जो बड़े बारीक जी हाँ स्पेस रिलेटेड हैं, मिसाइल्स में डिफेंस वैसे। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस तरह की कोई कंपनी लिस्टेड है ही नहीं। क्या बात, कोई कंपनी लिस्टेड ही नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि इनके एसेट्स कितने या प्रॉफिट कितना, तो इस तरीके की पहली कंपनी लिस्ट होने जा रही है जी। तो इसका लिस्टेड कंपनीज के साथ कंपैरिजन अभी नहीं हो सकता है जी, जी। उसके बाद होगा। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत जी, स्पेशली डिफेंस में और न्यूक्लियर में और बाकी चीज़ों में, तो वो इनको बहुत जो है हेल्प करने वाला है। इसके वजह से जियोडिट फाइनेंशियल इसको सब्सक्राइब का कॉल दे रहे हैं। प्राइस रेंज है 574-575 इस प्राइस में शेयर का इशू आएगा 3 तारीख के। एक लाइन बताइए, आगे बढ़े आदमी खरीदने के लिए या सोचता ही रहे जाए ना जाए? नहीं नहीं, मैंने आपको क्लियरली बताया कि एक जो फंड हाउस है जियोजिट फाइनेंशियल उनका कॉल सब्सक्राइब, आईपीओ में कोई नुकसान नहीं होता वैसे। इसमें लग नहीं रहा और ये कॉल सब्सक्राइब का क्लियर कॉल है। पंडित जी ने हरी झंडी दे दी है और अब बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना बात हम सेल की करते हैं, खरीद तो बहुत कुछ लिया है, बेचें क्या सर? और बिना बेचे खरीदे शेयर बाजार में फिर आप कर क्या रहे हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और जब मैंने लिस्ट देखी मैंने कहा साहब ये इसको क्यों बेच दें, तो खैर मैं तो पंडित जी से ही पूछूंगा, अभी तक तो पूछा नहीं इनसे मैंने। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो सितंबर में 794 करोड़ था और दिसंबर में 1159 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू देखें साहब तो 18,837 करोड़ है और दिसंबर की तिमाही में 18,914 करोड़ है। सारे आंकड़े चार्ट्स ठीक हैं लेकिन पंडित जी कह रहे हैं भैया बेच दो। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जितनी चढ़ाई करनी थी, जितना ऊपर जाना था, मुझे लगता है कि वो हाई पॉइंट उन्होंने टच कर लिया है। रोशनी डालेंगे संजीव जी, क्यों कह रहे हैं कि अगर ये आपके पास शेयर है, आपके भैया के पास है, भाभी के पास है, भाभी के किसी क्लासमेट के पास है, फ़ोन उठाइए कर दीजिए, बता दीजिए कि भैया इसको बेच दो, क्योंकि जब शेयर नीचे जाएगा तो फिर नुकसान होगा। जी जी दीपक जी, आपने इसका क्लोजिंग क्या बताया? क्लोजिंग है आज 83.35 जी, बिल्कुल 83 रुपये। बिल्कुल, तो एक तो कारण यही है जो आपने हिंट किया कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। और दूसरा इसमें ये हो रहा है कि अभी इन्होंने डिस्क्लोजर कुछ किया है, मतलब कि एक स्टेटमेंट दिया है कुछ दिन पहले, उसमें ये पता चल रहा है कि जो इनके ओवरड्यू लोन है जो अभी वापस लौट के नहीं आए हैं, उसका नंबर जितना पहले समझा जा रहा था उससे ज़्यादा है जी हाँ। तो उसके वजह से इसका जो अब टारगेट है 72 रुपये, 72 का टारगेट है वो दे रहे हैं जापान के सबसे बड़े फंड हाउस नमूरा जी। तो 72 रुपये का टारगेट है, तो अभी दाम 83 के आसपास है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गिर के 72 रुपये तक आएगा क्योंकि इसका वैल्यूएशन बढ़ गया। और इस वैल्यूएशन पे जो 83-84 रुपये आप बता रहे हैं जी, इसके आसपास अब इसमें अपसाइड नहीं बचा है, ये उनका रिकमेंडेशन। तो साहब बैंक ऑफ बड़ौदा संजीव भाई कह रहे हैं कि 83 रुपये तक चला गया है और अब ये नीचे जाने वाला है, और अगर 72 रुपये तक चला गया और आप सोचते रह गए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आपके कोई जानने वाले हैं उनके पास है, उनको भी आप ये सुझाव दे सकते हैं, गिरते हुए शेयर को बेच देने में ही समझदारी। वॉरेन बफेट का भी यही कहना है, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना ऐसी चीज़ को जो स्लाइड करते हुए दिख रही है, जो अपने पीक पर जा चुकी है। तो आज सिर्फ इतना ही, और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में आपसे हम सुबह मुलाकात करें। और सुबह की वजह ये है कि जब आप बाज़ार खुलें तो थोड़ी सी तैयारी आप कर लें, क्योंकि रात में जब आप देखते हैं तो
चाय पीते पीते तक या कुछ और पीते पीते तक आदमी भूल जाता है। तो हम चाहते हैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद इसको आप देखिए और कोशिश करिए कि संजीव जैसे लोगों पर ट्रस्ट करिए जिन्होंने एक लंबे कैरियर जो है इकोनॉमिक टाइम्स में कॉरपोरेट एडिटर थे, स्टॉक मार्केट को 3 दशकों तक वॉच करते रहे, अभी भी कर रहे हैं वॉच, और बहुत अच्छी छवि वाले पत्रकार हैं, ऐसे वैसे मत समझिएगा, किसी खेमे के नहीं हैं। और कोशिश इनकी ये रहती है कि सस्ते शेयर लाएं, सही समय पे आपको राय दें, और मेरा तो सौभाग्य है कि बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। आप भी सीखिए, आप भी सीखिए, और जो इनके मंत्र होते हैं, जब आप पलट के हमारे शोज़ पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि बात में दम है पंडित जी की, क्योंकि जब पीछे मुड़ के देखते हैं और पाते कि नहीं जो बोला था सच था, तब लगता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं है साहब, ये न्यूमरोलॉजी है, स्टॉक मार्केट की सारे चार्ट्स पढ़कर आते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले शो में शेयर बाज़ार के। नमस्कार।